हमजा आमिर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई डिप्टी स्पीकर को तो संसद भंग करने की ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है। ऐसे में क्या लग रहा है इमरान खान के लिए मुश्किल है, कल आने वाले फैसले में बढ़ सकती है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि डिप्टी स्पीकर को जो है वो उसके पास पावर्स नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि रूलिंग जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली दे सकते हैं, और डिप्टी स्पीकर ने भी जब ये रूलिंग दी तो उन्होंने जो पेपर रीड आउट किया उसके आखिर में स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर का नाम था, यानी कि उन्होंने उसकी उनकी प्रोसीडिंग्स को रीड आउट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि स्पीकर की डिस्क्रेशन है। साथ ही जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले के ऊपर रूलिंग देने से पहले बहस होनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।